राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है बाल कार्यक्रमों की श्रृंखला रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं बाबा आमटे के जीवन पर आधारित कार्यक्रम श्रम ही है साधना हमारी। श्रम ही है श्री राम हमारा, श्रम ही है साधना हमारी। बच्चों, स्वतंत्रता सेनानी, कर्मयोगी और सच्चे समाज सेवी बाबा आमटे के बारे में आप जानते हैं? पीड़ितों और रोगियों की सेवा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया वो हैं बाबा आमटे। बाबा आमटे का पूरा नाम है मुरलीधर आमटे। इनका जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के हिंगन घाट नगर में 6 दिसंबर सन 1914 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवीदास हरबाजी आमटे। बचपन में सब लोग मुरलीधर को बाबा के नाम से पुकारते थे। तब से उनका नाम मुरलीधर के स्थान पर बाबा आमटे ही प्रचलित हो गया। बाबा आमटे के बचपन के दिनों की ही एक घटना है। एक दिन बाबा की आई यानी माँ ने उनसे कहा, ओ बाबा। हाँ आई, देखो तो तुम्हारे लिए गुड़िया लाई हूँ। अरे वाह आई, ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है। और ये देखो, मैं इस गुड़िया को लिटाती हूँ। ये, अरे वाह, ये तो अपने आप खड़ी हो गई है ना, दो ना मुझे गुड़िया। अरे अभी और तो देखो, इस बार मैं इसे ऊपर से नीचे गिराती हूँ। ऐसे। अरे ये तो फिर खड़ी हो गई, दो ना मुझे गुड़िया, दो ना। ये लो, तुम्हारे लिए तो लाई हूँ। अरे वाह बाबा। अब तुम बड़े हो रहे हो, कई बार ऐसा होगा कि तुम भी गिर पड़ोगे, तब तुम्हें तुरंत खड़ा होना होगा इस गुड़िया की तरह। बचपन में दी गई इस शिक्षा का बाबा आमटे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जीवन में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाबा बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पिता की इच्छा थी कि वे वकील बने, इसलिए बाबा ने वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गए। लेकिन अदालत में उन्होंने देखा कि अक्सर अपराधी साफ छूट जाता था, इससे उन्हें दुख होता था। इसलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी। आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित होकर बाबा कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित हो गए। उनकी पत्नी साधना ताई ने भी समाज सेवा में उनका पूरा साथ दिया। साधना। देश को आजादी मिल गई है, लेकिन लेकिन क्या जी? छुआछूत का रोग लोगों की नसों में आज भी बह रहा है। हाँ,
ये बात तो है। इसीलिए मैंने कुष्ठ रोगियों की सेवा करने की बात सोची है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा सोचा आपने। सच? जी, आजादी की लड़ाई में जब आप जेल गए थे तो मुझे आपसे दूर घर में ही रहना पड़ा। अब आप कुष्ठ रोगियों की सेवा में जुटेंगे तो मुझे भी आपके काम में हाथ बटाने का सौभाग्य मिल जाएगा। तुम कितनी अच्छी हो साधना। लेकिन इस काम को हम शुरू कहां से करेंगे? साधना देखो, जिस तरह विनोबा जी ने वर्धा के निकट पवनार में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आश्रम बनाया है ना, हाँ? उसी तरह हम भी आनंदवन आश्रम की स्थापना करेंगे। लेकिन इसके लिए तो बहुत धन की जरूरत होगी। अरे तो हमारी संपत्ति किस काम आएगी? हम अपनी सारी पैतृक संपत्ति कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगा देंगे। हाँ, यही ठीक है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि कुष्ठ रोगियों को सम्मान से जीना सिखाने का आपका प्रयत्न सफल हो। साधना। इसके बाद बाबा ने 6 महारोगियों के साथ आनंदवन आश्रम की स्थापना की। यहां दृष्टिहीनों की शिक्षा के लिए एक प्रकाश अंधशाला भी बनाई। बाबा आमटे ने सोमनाथ नामक स्थान पर श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने हेमलकसा में एक और आश्रम स्थापित किया, जिसे उन्होंने लोक बिरादरी योजना नाम दिया। इस केंद्र का कार्य बाबा के छोटे पुत्र डॉक्टर प्रकाश आमटे तथा आनंदवन आश्रम का काम उनके बड़े पुत्र डॉक्टर विकास आमटे देख रहे हैं। बेटा विकास। जी बाबा। मैं देख रहा हूं तुम आनंदवन आश्रम का काम बहुत ही अच्छी तरह संभाल रहे हो। बाबा, आपकी ही प्रेरणा से तो सब संभव हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये तो बताओ, ये प्रकाश कहाँ है? कह रहा था लोक बिरादरी योजना के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहता है। वो आ गया। बाबा। अरे आओ आओ प्रकाश, आओ। हाँ, कहो क्या बात है? बाबा, हेमलकसा के आदिवासियों की कुछ समस्याएं हैं। हाँ। उनकी सेहत की समस्या, पढ़ाई के इंतजाम की समस्या, ओ, अंधविश्वासों को दूर करने की समस्या, पीने का पानी साफ ना मिलने की समस्या, और भी बहुत कुछ बाबा। ये देखिए, देखो मैं अभी उनसे बात करके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, समाज सेवा और तुम दोनों में काम की लगन को देखकर मुझे तो बेटे नया जीवन मिल जाता है। बाबा। अरे बाबा, आप लेटे रहिए, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बेटा, काम करने से भला कौन रोक सकता है? काम तो मुझे हाथों से ही करना है ना, और अभी हाथ मेरे काम कर रहे हैं। बाबा, आपका दिया हुआ मंत्र तो हम सबको प्रेरणा देता है, मेहनत का मंत्र। हाँ बाबा, श्रम ही है श्री राम हमारा। श्रम ही है साधना हमारी। वाह। बाबा आमटे को उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। देश की एकता के लिए कन्याकुमारी से अमृतसर की उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों में देश प्रेम व भाईचारे की भावना को न केवल जागृत किया बल्कि उनकी एक प्रेरणादायी छवि को
अमिट रूप से सबके मन में अंकित कर दिया। श्रम ही है श्री राम हमारा, श्रम ही है साधना हमारी। श्रम ही है साधना हमारी। अभी आप सुन रहे थे रंगोली श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, विषय संयोजन डॉक्टर सुरेश पांडे, विषय परामर्श डॉक्टर सत्य प्रकाश बान्याल, सह परामर्श डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख डॉक्टर बी आर धर्मेंद्र, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, सतीश कक्कड़, राजश्री त्रिवेदी, राजेश आहूजा, पवन कौशिक, सुनीति कोहली और हर्ष। ध्वनियांकन सतीश लाड़े व दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।